आपा, भाई क्या है आपा? तुम हर वक्त ऐसे उदास क्यों रहती हो? ऐसी मीठी शक्ल अच्छी नहीं लगती। आपा, अच्छा सुनो, चाय पियोगी? है ना? हाँ। चलो एक कप मेरे लिए भी बना देना। और ना, अच्छा डेढ़ चम्मच चीनी डालना, मीठा कम होना चाहिए। आपा बना दो ना मिश्री। क्या नाम बताया था तुमने? जमीला। अच्छा, अगर मैं तुम्हें प्यार से जम्मो कहूँ तो कैसा लगेगा? अच्छा जम्मो। बहुत अच्छी हो तुम, पता है तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे हैं। भाई थोड़ा बहुत तो होगा ना ऐसा। देखो तुम मिल गई हो ना, तो ऐसा लग रहा है सारा जहाँ मिल गया है। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, वरना इस सड़ी धूप में मुझे बसों में धक्के खाते हुए जाना पड़ता। आपकी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है। अरे बस में जाए तुम्हारे दुश्मन। और पता है तो आज मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा मोटरसाइकिल पे। अगर हमारी तुम्हारी बात चल गई ना आगे तो फौरन मोटर ले लूंगा। हाँ मेरी बात भी चल रही है। अच्छा गोल गप्पे नहीं है अभी? हाँ भाई, भाई लेके आना, सारा दिन गुजर गया। ले लिया, ला रहा ला रहा ला रहा ले लीजिए, खाइए मेरी जम्मो। जानू सुन जरा, पलके तो उठा, गोलगप्पा तू ही खा। आए आए वाह वाह, आए मेरी जम्मो, अरे वाह वाह वाह। और लो और लो, और मंगाओ ना, और मंगाओ। हाँ ओए एक प्लेट और। हाँ दो 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 दो, दो ले आ यार। हाँ जल्दी हलो, खा खा।
कुछ सुनाओ यार। खा खा खा। खा? कैसे है कैसे है, मजा आ रहा है? लो लो पानी पियो पियो पियो। जानू सुन जरा, पल के तो उठा। हाँ। ये कम्बा फास्ट आ गया। अच्छा जम्मो, ये बताओ तुम घर में और क्या क्या हुआ? छोड़ मेरा हाथ। अरे शर्म ही आती। अरे जम्मो, तुम्हारे घर में माँ बहने नहीं है क्या? अरे ये माँ बहने कहाँ से आ गई बीच में? अभी तो पूरी दो प्लेटें मेरे हाथों से खाई है गोलगप्पे की। आओ भाइयों जरा सही करो इसको, खाओ तुम लोग। अरे नहीं भाई, अरे नहीं भाई, अरे जम्मो क्या हो गया, पागल हो गई है? अरे अच्छा मजाक कर रही है? अरे चुप, तेरा मेरा मजाक है क्या? मजाक कर रही है। अरे भाइयों देखो, दो चार मुझ गरीब को गोलगप्पे के खिला दिए, भूखी को मार लेगा। आओ जरा इसको देखो, पागल हो गई है। अरे खुद आई है। अरे चलो सुनो, मेरी बात तो सुनो यार। सारी कंद इस दरख्त ने भी बोले। ओ बोले देखो भोले, और तेरा सत्यानाश नीचे करता है, ये महंगा लेकर आ मनुष्य मारे। अम्मा पता तो करवाओ, ये जो है ना कौन सी कबूतरी को दाना डाल रहा है? अरे कौन सी कबूतरी, कहाँ की कबूतरी, पतंग उड़ा रहा है वो। अरे आज खाने को कुछ मिलेगा या हम इसी तरह भूखे मर जाएंगे? बहन तू मर जा, तेरी फातिया मैं दिला दूँ। अरे जा जा, दिलाई तूने फातिया, मियाँ के नाम पे धेला तो निकलता नहीं, मेरी फातिया दिलाएगी। आप बात सुनो, अपनी बारी में तो तुम्हें बहुत भूख लगती है, और मेरी बारी में तुम्हारी रूह के फरिश्ते नाश्ते के बाद भी कुल पड़ते हैं। अरे बानो मेरा दिमाग मत खराब कर, भूख ही लग रही है मुझे जब भी मैं बुला रही हूँ उसको। मुझे क्यों बुलाया भाई, मैं ऊपर इतना एंजॉय कर रहा था खड़ा हुआ। तेरे एंजॉय की ऐसी की तैसी। वो नोट देखा जो मैंने तुझे दिया था? कौन सा नोट? मेरे पास कोई नोट नहीं है। 100 का नोट जो मैंने तुझे दिया था। अम्मा तू नोट देखती नहीं है, बस झपट लेती है। मैं नहीं दूंगा भाई नोट। बखत मारा नहीं तो चल जा, आटा लेकर आ। मैं नहीं जाऊंगा, जमीला आएगी, उसको भेज देना, वो ले आएगी। हाय हाय हाय, तौबा तौबा, अब जमीला आएगी तो रोटी पकेगी। अरे मैंने नहीं खानी, बाढ़ में जाए ऐसी रोटी। मैं तो जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, पेट भर के खाना भी नसीब नहीं हुआ मुझे। हाँ तो तुम आई क्यों, खाना चली जा रहा अपना नसीब लेकर इधर। तू बकवास बंद कर। अच्छा अपने बाप के घर में रह रही हूँ, तेरे बाप का घर होता ना तो थूक के चली जाती। अरे बहन तू तो उसी के पास वापस चली जा जिसने तेरे मुंह पे थूका है। हाय हाय, अरे जमाल, अरे जल्दी नीचे आ मर्दूद, देख इसने फिर मुझे तलाकर होने का ताना दिया है। क्या हो गया अम्मा, क्यों चीख रही है तू? ये सब किस्तों का ड्रामा दोबारा शुरू हो गया। अम्मा तलाक तुझे मिली है, मेरी जिंदगी अजाब क्यों कर दी है? खाला ने खाना नहीं बनाया था तो तू ही बना लेती मेरे लिए कुछ। अरे शाम मल के खा जा मुझे बेगरत, कम बखत मारा। खाला नहीं शाम को मिलने की सोच रही हूँ। कहाँ जा, कम बखत मारी नहीं तो हर वक्त उल्टा सीधे तेरे ख्याल आते हैं, दिमाग के अंदर भरे रहते हैं, मुंह तोड़ दूंगी तेरा थप्पड़ मार के। और अब मसाले की बात कर रही है, अकल की मोटी बदन की मोटी, तू क्या तमाशा देख रहा है? चल दे बाबू आटा लेकर, पकड़ पैसे पकड़ जा। अरे चप्पल दे जा, चप्पल दे जा। ए बहन तेरा नसीब तो जो है वो तो हमारा नसीब खराब कर रही है। काम ही नहीं कर ले तेरे कंबखत मारे, नहीं तो ये टाइम हो गया अपना झाड़ू नहीं दिली है। मुस्तंडिया बैठी रहती है बस तमाशे बाजियां करने के लिए, अजाब करती है मेरी जिंदगी। अरे आ रही हूँ आ रही हूँ। ए बहन पेट का पानी मिला के दरवाजा ही खोल लेती। बैठ के खाना आता है बस। क्या है भाई, थोड़ा सुकून तो ले लो, धड़ धड़ धड़। अब जमील तक नहीं आई घर?
नहीं वो है ना ट्यूशन के बच्चे पढ़ाती है उनका टेस्ट है लेकिन तू क्यों पूछ रहा है सलाम कहाँ से आ रही है अम्मा पढ़ाने गई थी अरे क्या आज फिर रजिया की अब्बा की बरसी थी नहीं नहीं अम्मा वो बस... गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया मार इससे पूछ के ये बिरयानी की देख पे बोटिया कौन चढ़ा रहा है ए खाना क्या बात है क्यों मेरी बहन भी इल्जाम लगा रही हो तुम माँ बस खराब हो गई थी पैदल चलती हुई आ रही हूँ गले में भी दर्द है सुबह से तबीयत खराब है सब मारे जा रहे हो नहीं आटा नहीं आया हूँ मैं किसको दूँ भाई पैसे दे इसको सब्जी लेकर आएगा मैं खुद ही ले लूंगा कहाँ रखे भाई पैसे इधर दे मुझे पता है तू क्या देख रहा है इसमें क्या है पर्स में मुझे पता है ना क्या देख रहा था ये मेरे पर्स में ये ले पर अम्मा ये जो तुम्हारी बहन है ना नागर मन के चिपक गई हमारे घर पे मनुष मारी कब जाएगी ये तू इस जोर से नोचा है ये जब तू ये रात चलतों के साथ खाना खा रही है ना तो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे खुद इतनी सस्ती हूँ अम्मा मुझे क्या महंगा पड़ेगा अम्मा मत बना उसे नोट निकालने वाली चक्की अम्मा शादी कर दे उसकी अम्मा जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती मैं उसकी शादी के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकता तू मत सोचा कर ऐसी बातें तू सबसे बड़ी है सबसे पहले तेरी शादी होगी इस घर में बस मैंने कह दिया ना मत सोचा कर तू मत सोचा मैं हूं ना ले मैं आ गया तू क्यों आ जाता है यहाँ अबे तू इतनी देर से चिल्ला रहा है आ आ आ आ गया मैं तुम्हें तो नहीं बुला रहा था मैं तो वो हाँ हाँ तू तो अपनी लकी कबूतरी को बुला रहा था आज नहीं आएगी वो
क्यों क्यों नहीं आएगी? अबे रोज उसको दो दो रुपए की छालियां खिलाता है और पूछता क्यों नहीं आएगी। नहीं तुम झूठ बोलते हो, वो जरूर आएगी, अभी देखना। आ आ आ आ आ डाइन की औलाद। खाला अब ले, मैं आ गई, अब बोल क्या बोलना चाह रहा है। खाला खुद भी आ जाओ और नरगिसी कोफ्ते भी लेती आना। नहीं नहीं खाला, खाला तुम मत आना, खाला इसकी बात ना सुनना। कमीने ने कुरान शरीफ पढ़ना दोपहर कर दिया। नहीं नहीं खाला तुम मत आ। जमाल जमाल ये तो वही वाली अम्मा की चप्पल नहीं है? अरे हाँ ये तो खाला की चप्पल है। है ना, अम्मा खुश हो जाएगी। अम्मा 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 सांप सूंघ गया मनुष्य मारे को, बेगरत की औलाद कहीं के, पता नहीं कैसे कैसे लोग पैदा करके रख दिए, कमबख्त कहीं का। आ पता नहीं अपनी अम्मा को बुला रहे आ करके, सत्यानाश जाए बेगरत कहीं के। आ आ आ जा आ आ क्यों नहीं देती है? अरे आज की तारीख में हमें खाना मिलेगा? अरे मरने के बाद क्या करेंगे खाके? मर जाओ मर जाओ मर जाओ। ला रही हूँ महारानी, ला रही हूँ। एक हाथ है मेरा, ये लो खाओ थोड़ो। हेलो अभी भी रोटियां ही आई है। अम्मा रोटियां कहाँ है? लो रही हूँ ना, जल्दी लाओ। सबर नहीं है ए खाना, तुम भी जरा हिल लिया करो, बहन हो घिस नहीं जाओगी हाथ बटाने में। ज्यादा बकवास ना कर अच्छा मोटी, जा उठ, तू भी बेटी है, जा हाथ बटा, उठ। बखत बस कर दो बस कर दो, ये कुड़कुड़ करके तुम लोगों के मुंह में दर्द नहीं होता। चुप कर, ये लो खा बोटियां मरो। ए ये लो ये बोटियां, ये रेशा आया है गोश्त का। ए आपा कुछ खुदा का खौफ कर अच्छा, गोश्त मेरा बेटा लेके आया था। अम्मा रहने दो ना, कल भी तो कल रात को खाई थी रोटी। अच्छा कल रात को खाई थी, तो क्या कल रात के बाद बोटियों पे कर्फ्यू लग गया? अरे ला बोटी। ए किस पे हुकूमत चला रही है, तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ, आ जा बाबूची खाने में, बोटी की खुशबू सूंघ ले। जा देख ले क्या बोटियां, मैं सूंघ के लाता हूँ। कहाँ है बोटियां? चल निकल जा। ए अम्मा मुझे मैं कह रही हूँ निकल, वो पेड़ मार के भूल गई हो तुम बोटियों की। ला ला उठा के, मिल गई बोटियां। ले आ ले आ ले आ, रोटी का टुकड़ा दे मुझे भी। खुदा की कसम ये औलाद देखो, इनके लिए बोटियां छुपा छुपा के रखो, और इसको देखो मनुष को कुत्ता नहीं तो। मुझे क्या पता मैं कोई लगाती हूँ लिपस्टिक, ये अपनी खाला से पूछ, इसी को शौक है कील कैटो से लेस होने का। खाला तुमने चुराई है मेरी लिपस्टिक, अल्लाह की कसम सिर्फ दो दफा लगाई थी, लालू खेत से लेकर आई थी जाके, मैं दो मेरी लिपस्टिक। चलो ए, मैं नहीं लगाती तेरी लालू खेत की लिपस्टिक, अतिका ओडो वाली लगाती हूँ, जरा शक्ल निखर आती है लालू खेत की लिपस्टिक। ए खाला चलो बातों का भगार मत लगाओ, निकालो उसकी लिपस्टिक, तुम्हें बड़ा शौक है ना मुंह पे लिपस्टिक थोक थोक के छत पे खड़े होने का, चलो निकालो। ज्यादा बकवास न करना मोटी, ऐसा चप्पल मारूंगी ना मुंह चप्पल जैसा हो जाएगा। हाँ ए चल दे मेरी लिपस्टिक, नहीं दूंगी जा। नहीं दे रही ना, अल्लाह करे जिसने भी लिपस्टिक ली है उसके होंठ में कीड़े पड़े। तेरे ही हो, तेरे ही हो, जो बोले तेरे होगा तेरे। देख किसको, क्या हो गया तुम लोगों को, क्या कुंजड़खाना लगा के रखा हुआ ये? सुबह नाश्ता तो सुकून से कर लिया करो मनुष्य मानो, नहीं तो लिपस्टिक से पराठा खाएगी कम वक्त आई इस वक्त लिपस्टिक। अरे चुप कर जा मानो, तू ही कुछ अकल पकड़ ले, बच्ची के मुंह लग रही है बिना वजह में। अम्मा मुझे पता नहीं पेट में घबराहट सी होने लग गई। तू तो मर, तू तो मर, बदमाश किसी को देना मेरे से अच्छी बात नहीं होती। अरे नरगिस कहाँ मर गई तू? क्या फजर की नमाज जोहर में पड़ेगी तू? आई अम्मा। नरगिस अपनी राह पहुंचो।
शादी करा दो फिर देखना मैं ना तुम्हारे लिए ना आपा आपा दूल्हा सुन ले कान खोल के इस घर में अगर किसी की शादी होगी तो वो मेरी शादी होगी मेरे बाद ही किसी का नंबर आएगा समझे इसका मतलब है हमारा नंबर कभी नहीं आएगा आएगा मतलब मेरे बाद नहीं आता अम्मा मुझको बताती हूँ नहीं होने दूंगी किसी की शादी अपने से पहले जुम्मे को नहाऊंगी हट कमबख्त मारी नहीं तो मनुस रात के भी वक्त सुकून नहीं हट वैसे खाला तुम्हें शर्म नहीं आती है तीन साल से हमारे घर का मुफ्ता तोड़ रही हो बड़े बड़े अगर खुद नहीं कमा सकती ना तो अपने उस निखट्टू से कहो जाकर वो भी कुछ हिल लिया करे अच्छा अगर हिलने से पैसे आते होते ना तो अल्लाह मुश्किल ही से बख्शे तुम्हारे अब्बा को उनके पास नोटों की थप्पियां होती थप्पियां अम्मा देख रही हो अब्बा के हाथ में राशन था ना कैसा मजाक उड़ा रही है उसका ए बानो तू ना जरा मुंह संभाल कर बात किया कर क्यों मेरे मरे हुए मियां के पीछे पड़ी रहती है तू मैं पड़ी रहती हूँ वो एक कमबख्त ख्वाब में आके रोता धोता रहता है हमेशा खाला मुर्दों को तो बख्श दिया करो अरे जा रहने दे इस जैसी मनहूस शक्लों पर तो वो लानत भेजता था दोनों हाथ पैरों से सुना नहीं क्या आपा क्या बात है अरे मुंह से फूटता आपा कुछ खाने को मिलेगा हमें खा ले तू मनुष्य जो भी आता है कमबख्त मारा इस घर में खाने पीने के लिए आता है लीजिए खाइए ये ले लीला खा लीजिए ना अरे खाए ना आप ऐसे ही करो खा लीजिए प्लीज बस बस मुझसे और नहीं खाया जा रहा प्लीज खा ले ना बस 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 लीला खा लीजिए आपको खाना खिलाते खिलाते ना मेरी तो अपनी ही भूख उड़ जाती है क्या दूं उनको खाने के लिए समझ में नहीं आ रहा ये खिचड़ी कहाँ गई अम्मा ने तो जमीला के लिए बनाई थी देती हूँ पापा के हाथ की बनी हुई खिचड़ी दवा समझ के ही खा लीजिए कल से ना मैं खुद आपके लिए पकाऊंगी मौका देख के अपने दिल की बात मुझसे कह ही देंगे पता नहीं कब से क्या क्या छुपाए बैठे हैं दिल में मेरे लिए और मैं समझ आई हूँ कि जैसे उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है बस 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 मुझसे खाई नहीं खाला तुम सुधरोगी नहीं कुछ तो हमारे लिए छोड़ दिया करो और ये खिचड़ी तो अम्मा ने जमीला के लिए बनाई थी वो सुबह भूखी गई है
मरी ना जाए कमबख्त। लीला बुरा मत मानिएगा इस औरतनुमा लड़की की बातों का। अरे इस कमबख्त को कोई मुंह नहीं लगाता ना, इसीलिए ये ऐसी है। फकीरों का खानदान है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं, सबके बंगले और गाड़ियां हैं। भाई अल्लाह बख्शे, ये हमारी आपा जो है ना, इस कमबख्त की शक्ल और जहालत इसे ले डूबी, वरना हमारे अब्बा हलीम वाले की बेटी से कभी ना ब्याहते। अरे बहुत शरीफ आदमी थे, अच्छी शक्ल सूरत के थे, मगर थे खानदानी कसाई। अरे तभी तो सारी बेटियों के जबान के नीचे छुरियां रखी हैं। भाई मैं भी इनकी खाला हूँ, आप बताइए मुझे कभी आपने ऊंची आवाज में बोलते सुना? मेरे घर घर वाले रहो, या अल्लाह तू मेरे घर को भी खुशियों का रास्ता दिखा, या अल्लाह सबकी माँ बहन बेटियों पर अपनी रहमत कर, या अल्लाह उन बच्चियों पर जो बिन ब्याह बैठी लाहुल आलमीन उनको अच्छे बरता फरमा, उसके साथ कर मेरी बच्चियों को अच्छे बरता फरमा, या अल्लाह तू अपना घर पर, या अल्लाह मेरे घर को खुशियों का रास्ता दिखा, अल्लाह अल्लाह मेरे घर को नजर से बचा, अल्लाह तो हिफाजत पे रख मेरे बच्चों को, ए मेरे महबूब तेरे गुनाहों को माफ कर, या अल्लाह मेरे बच्चों पे आई हुई मुसीबतों को खत्म, या अल्लाह मेरी बच्चियों की खुशियां मुझे दिखा दे मेरे अल्लाह। क्यों बेटा क्यों तू सोचती है, छोड़ दे। अरे उस वाक्य को भूल जा, क्यों दिमाग पतारी किया हुआ है तूने हाजरा? सो जा भाई तुम। ऐहे क्या सो जाए, जहन्नम हो गई जिंदगी हमारी यहाँ तो, जहन्नम का अजाब यहीं झेल लो, तुमने कौन सा जन्नत में जाना है? अरे तू चुप की रह। अच्छा तुझसे तो सुबह को निंदू की ठिंगनी। ओ आवारा, ओ रात के पंछी किधर जा रहे तू? इतनी मैं तो ऊपर सोने जा रहा हूँ। इधर मर जा, सो जा। अम्मा ये उस शिकारन से मिलने जा रहा होगा, होने दो उसका शिकार इसको। और अगर तूने कोई गुल खिलाए ना तो तेरा सरोवर मेरी जूती होगी, हमें नहीं करना उन गुंडों आवारों में रिश्तेदारी, समझा तू? सो जा तो मुझे बता देना। तेरा सत्यानाश अभी बताती हूँ मैं तुझे, तू बताएगा मुझे कि मुझे कब सोना है कब नहीं सोना। आराम से सो जा बिस्तर के ऊपर, अगर यहाँ से हिला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ए अम्मा चुप हो जाओ। अरे चुप कर जा, चुप कर जा। बस कर दे रात के वक्त। अरे ओ बानो अपनी लल्ला बंद रखी। अच्छा दिमाग नहीं खराब करना मेरे सखत। बस कर जा, बस कर जा, बंद कर दे अपनी जबान। है मनुष मारी नहीं तो चुप नहीं होगी। मनुष तू होगी चुप। मगर मारी नहीं तो बेगारा दिमाग खराब करके रख दिया। छोटा चुप कर, चुप कर। हाँ नहीं तो किसी को ख्याल नहीं है मेरा। इनके लिए मरते रहो, कुड़ते रहो, काम करते रहो, जलते रहो, सड़ते रहो, खाने को भी नहीं पूछता कोई। जमीला मान जाएगी, जमीला मान जा। तू क्यों आ रहा है मेरे पीछे मनुष, दफा इधर से। आराम से, आराम से चल। चलती है मेरे साथ डाखाने की रबड़ी खाने? चलती है मेरे साथ डाखाने की रबड़ी खाने? मुझे नहीं खानी रबड़ी बबड़ी। एक प्लेट रबड़ी खिलाएगा, 10 प्लेट इश्क झाड़ेगा मुझसे। इश्क झाड़ता नहीं हूँ, इश्क करता हूँ तुझसे मैं। जान मांग के देख ले, अपनी जान दे दूंगा
जमीला को नहीं शौक चार चलाने की चीजें जमा करने का, तेरी जान का मैं क्या करूंगी? जान तो तुम लोगों ने मेरी खाली है, तंग आ गई हूँ मैं काम कर करके भूखी निकली हूँ घर से, खाना तक नहीं दिया किसी ने मुझे। तो फिक्र क्यों करती है, मैं ख्याल रखूंगा ना तेरा, ये ले पकड़, जाके ना लालू खेत से एक नई लिपस्टिक ले ली हो अपने लिए। कितना अच्छा है जवान, चल अच्छा जा रबड़ी खिला मुझे। चल ज्यादा ना खाइयो, पेट में दर्द हो रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जमीला, मेरे बच्चे के इतने खराब नंबर कभी भी नहीं आए। बाजी मैं तो पूरी जी जान से पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ा रही हो तुम, क्या पढ़ा रही हो, क्या पढ़ाया तुमने? ये क्या कर रही हो तुम सर? मैं तुमसे कहा था ना कि मैं जमीला को कुछ नहीं कहना। आपने इसके नंबर देखे? ये सब कुछ मैं खुद हैंडल कर लूंगा, और सारी जिम्मेदारी टीचर्स की नहीं होती। और ये क्या, तुमने मिस जमीला को चाय वाय कुछ नहीं पूछा? जाओ चाय लेकर आओ, और हाँ कुछ खाने के लिए भी लेकर आना। ओके अच्छे होते हैं ना, हम औरतों का और खासकर उन औरतों का जिनका उनसे कोई रिश्ता नहीं होता, कितना ख्याल रखते हैं। अब इसको ही देख लो, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ दो चार दफा इसकी गाड़ी में बैठ के इसके साथ खाना ही तो खाया है, उसके बाद ये कैसा मेरी ढाल बना हुआ है अपनी बीवी के आगे। इसकी बीवी जब भी मुझ पर चिल्लाती है कैसे उस पर गुर्राता है।